और अगर हम नजर दौड़ाएं इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन रेट से जिन टीम्स ने स्कोर किया है तो साउथ अफ्रीका इज राइट देयर एट द टॉप विद अ बैटिंग रन रेट ऑफ 7.39। शुएब, आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस टू यू, साउथ अफ्रीका की बैटिंग फायर पावर किसी एरिया में कोई कमी महसूस नहीं होती फ्रॉम 1 to 6? बिल्कुल नहीं होती, मैं तो बोलूँगा 7 नंबर पे भी जो उनके बैटर आते हैं वो भी ऐसे हैं कि अगर उनको प्लेटफॉर्म अच्छा मिला वो जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं ऊपर वाले जो हैं, क्योंकि क्विंटन डीकॉक ने बैक टू बैक हंड्रेड्स कर दिए, उसके बाद जो उनके वेंडर डूजन हैं, एडियन माक्रम, डेविड मिलर, ये सारे बहुत अच्छी फॉर्म में, एक्सेप्ट उनके कैप्टन, अगर वहाँ से भी रन आने शुरू हो गए तो देन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ बैटिंग ऑर्डर। तो जो उनके सारे बैटर्स हैं वो इन फॉर्म हैं, लेकिन एज मिसबा भाई सेड के जब उन पर अगर अच्छा टोटल लगा और उनको वो चेस करने गए तो उसमें देखना पड़ेगा कि आया वो उसमें भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करेंगे जैसे वो पहले बैटिंग करते हुए कर रहे हैं। बट ओवरऑल दे आर ऑल इन गुड फॉर्म। क्लासन भी, अभी तो उनका नाम भी नहीं आया, लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है कि जो थोड़ा सा वो एक वर्ड लगा हुआ है, एक चीज़ उनके साथ लगी हुई है, चोक वाली, मुझे इस बैटिंग ऑर्डर के साथ वो नहीं आ रही है और वो कॉन्फिडेंट हैं। और मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी खेले हैं तो इस दफ़ा कोई प्लान बना के आए हैं। एक चीज़ और है, मैंने क्विंटन डीकॉक को कभी भी ऐसा हाइपर होते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है कि इस दफ़ा यूजली डजंट टॉक मच, बट इस वर्ल्ड कप में उस दिन शमसी के बाद पास एक कैच गया तो वो ट्राई ऐसी थी कि हो सकती थी और एफर्ट डल सकती थी उस कैच में, बट ही शाउटेड एट हिम। Normally he doesn't do that, Quinton Decock. तो इसका मतलब है कि they are in business और वो वाकई वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं।